सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नॉलेज 360 को और पाएं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पे। ये हमारा नोकिया 7 प्लस है, आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें क्या आम है, क्या खास है, कैसा ये फ़ोन है, क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, जो हमारे चैनल की पहली अनबॉक्सिंग है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है इसका बॉक्स, आप देख रहे हैं बॉक्स पे कोई ख़ास नहीं है, नोकिया 7 प्लस लिखा हुआ है। ये नोकिया का कुछ इसमें डिटेल्स वगैरह दिए हुए हैं, नोकिया के स्पेसिफिकेशन दिए हैं, खैर वो सब हम बाद में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बॉक्स को कंटेंट देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास कंटेंट आ रहा है बॉक्स का। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये एक पूरी तरह से अच्छे से इस डब्बे के अंदर कुछ नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। और सबसे पहले हमारे पास ये नज़र आ रहा है हमारे सामने ये फ़ोन, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये इसको मैं बाद में देखता हूँ, ठीक है। बॉक्स कंटेंट की अगर बात करा जाए तो बॉक्स में सबसे पहले यहाँ पर, अरे वाह, ये आपका जो है ये इसका एक कवर दिया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये मिलता नहीं है जल्दी अगर नया फ़ोन मार्केट में लॉन्च हुआ। ये आजकल कंपनी कुछ नया काम कर रही है। ये इसका बिल है, उसके बाद इस वाले पे क्या है ज़रा देखते हैं। ये मुझे लगता है चार्जर वर्जर है, चार्जर है, लग तो यही रहा है। जी हाँ, जी हाँ, ये इसका ये देखिए ये एयरफोन है, बहुत ही हाई एंड एयरफोन लग रहा है, जनरली जो हमें मिलता है वैसा नहीं है। आप देख सकते हैं इसका एयरफोन, जी हाँ ये देखिए ये इसका एयरफोन आप देख रहे हैं जी, काफ़ी अच्छा प्रीमियम एयरफोन है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या इसके अंदर है, और इसमें कुछ ईयरबड्स दिए हुए हैं, इन ईयर एयरफोन्स हैं तो कुछ ईयरबड्स हैं, इसको हम अलग रखते हैं। अच्छा, ये चार्जर काफ़ी बड़ा लग रहा है, जी हाँ चार्जर काफ़ी बड़ा है, और नोकिया की ब्रांडिंग है, जी हाँ ये क्विक चार्जर है, बिल्कुल क्विक चार्जर है। तो ये रहा हमारा बॉक्स कंटेंट, और ये हमारा फ़ोन देख लेते हैं। फ़ोन के अगर फिज़िकल ओवरव्यू पे जाएंगे तो हम ये देख रहे हैं कि ये सामने एक 6 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले है, राइट साइड में पावर लॉक अनलॉक की है, ये वॉल्यूम रॉकर है। ऊपर अगर देखा जाए तो ऊपर में वॉइस कैंसिलेशन है और कुछ नहीं है। नीचे में डाउन पे ये टाइप सी पोर्ट है, और ये एक यहाँ पर ग्रिल दिया हुआ है, स्पीकर ग्रिल है ये। और अगर पीछे की बात करा जाए तो पीछे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इन रीच कह सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर है, और ये कैमरा है, डुअल कैमरा है इसके अंदर, एक इसके अंदर 13+13 का शायद या 13 का जो है डुअल कैमरा है, सामने 8 MP का कैमरा है। और अगर इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पर कुछ नहीं है, अच्छा हाँ यहाँ पर वो है आपका सिम इजेक्टर, सिम कार्ड ट्रे है। देखते हैं कि ये हाइब्रिड है या फिर जो है, तो ये इसका जो है आप देख रहे हैं ये आपका, ये देखिए ये सिम इजेक्टर पिन है। चलिए देखते हैं कि इसमें कितने सिम का
जगह दिया हुआ है। तो थोड़ा सा शेकी है एक्चुअली, मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और दूसरे हाथ से देख रहा हूँ कि कितना इसमें वो है। ये मैंने इसको खोल दिया है और जी हाँ, ये देख सकते हैं आप, ये दो एक हाइब्रिड स्लॉट है, एक एक आपका ये मेमोरी कार्ड का है और ये इधर आपका जो है दूसरा जो है सिम का है। तो इसमें आप दो सिम नहीं लगा सकते हैं। नोकिया वालों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि इंडियन मार्केट में अब जो है ये मामला चल नहीं रहा है, अब हमें जो है एक डेडिकेटेड सिम स्लॉट चाहिए ही चाहिए होता है। तो ये आपने फ़ोन देख लिया, आप चलिए जब तक मैं इसको बूट करता हूँ इससे कुछ स्पेसिफिकेशन आपको मैं बता देता हूँ। और बताने से पहले एक चीज़ और आपको बताऊँ कि फ़ोन थोड़ा सा भारी है, इसको अगर मैं इसके अंदर डालूं, इसका जो कवर है ये आप जो कवर देख रहे हैं ये नोकिया ब्रांडिंग के साथ आता है, अगर इसके अंदर मैं इसको डालूं तो बड़ा खूबसूरती के साथ जो है ये फिट हो जाता है, बड़ा अच्छा भी लगता है। ये देखिए ये कवर के साथ जो है बहुत अच्छा लगता है। जब तक मैं इसको बूट करता हूँ आपके सामने मैं स्पेसिफिकेशन रखता हूँ, आप जब तक नोकिया की म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। खैर ये स्नैपड्रैगन 660 के साथ आता है जो कि एक मिड रेंजर में काफ़ी हाई एंड है। इसमें 4GB रैम, 64GB आपको मेमोरी मिलता है, एक्सपेंडेबल अप टू 256GB है। इसमें आपको ये म्यूज़िक आपने सुन लिया, इसमें आपको कैमरा पीछे की तरफ डुअल मिलता है, सामने की तरफ सिंगल कैमरा है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, उसके बाद फिर आपको फेस लॉक है, फेस अनलॉक है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। For the ultimate feel in the hand, each Nokia 7 Plus receives no less than 6 layers of ceramic feel paint. Machined from a solid block of aluminium, its edges anodized twice to accentuate the design. 3 ultra-sensitive cameras with Zeiss optics capture every detail, front and back. They are smart enough to adjust to even the most challenging conditions, capturing your special moments in low light or streaming them to the world via dual sight. A phone that is slim enough to use with one hand yet shows amazing detail on the 6-inch Full HD Plus screen with an impressive 2-day battery life. This is the new Nokia 7 Plus. तो मैंने पूरा सेटअप कर दिया है नोकिया 7 का, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल, ये देखिए ये इसमें जो है ये देखिए ये इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है, टाइम दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका ज़रा सा हम जो है चेक कर लेते हैं कि ये इसका फिंगरप्रिंट सेंसर कैसा काम करता है। तो ये हमने दबाया, ये खुल गया, ठीक है। फिर से हमने इसको पावर ऑफ किया, फिर से हमने ये दबाया, ये देखिए खुल गया, फिर से इसको बंद किया, ठीक है, बहुत अच्छा है। और क्या बोलूँ कि इसमें अगर मैं नोटिफिकेशन में जाता हूँ तो आपको जो है बहुत सारी काम की चीज़ें मिल जाती हैं। टॉर्च वगैरह आपको जो है मिल जाता है इसके अंदर। अच्छा, हम सेटिंग में अगर जाते हैं तो सेटिंग में आपको मेमोरी दिखा देते हैं आपका, देखिए स्टोरेज 45.8GB फ्री है, ठीक है। बेसिकली जब आप फ़ोन को फर्स्ट टाइम रिबूट करेंगे, फर्स्ट टाइम अगर आप फ़ोन को रिबूट करते हैं तो आपको इसमें 49GB मिलेगा, यानी 14GB तकरीबन ये अपने पास रखता है। अभी मैंने कुछ यूज़ कर रहा है, अब मैं ज़रा सा अबाउट फ़ोन में जा करके देखता हूँ कि इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह कौन सा दिया हुआ है। अबाउट फ़ोन में जाते हैं तो अबाउट फ़ोन में आप देख सकते हैं एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल का है, पैच लेवल जो है फर्स्ट में का है और एंड्रॉयड वर्जन जो है 8.1.0 है, ठीक है। तो लेटेस्ट एंड्रॉयड है, अगर हम इसको चाहें तो एंड्रॉयड पी में भी एंड्रॉयड अपडेट प्रोग्राम के थ्रू जो है हम कर सकते हैं, वो मैं बहुत जल्दी करूँगा तो उसका भी एक वीडियो डालूँगा। अभी इसमें जो है फिंगरप्रिंट सेंसर तो है ही, लेकिन अभी फेस अनलॉक का अपडेट नहीं आया है,
ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि ऐप ड्रॉप की, तो इसके अंदर ऐप ड्रॉप नहीं है क्योंकि ये एक नोकिया, ये एंड्रॉयड वन प्रोग्राम के तहत है, तो ये आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको जब फुल रिव्यू दूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर कुछ इश्यूज हैं। वेल, सारे फ़ोन तो कंप्लीटली बेस्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, हर तरह से एक्यूरेट नहीं हो सकते। एनीवेज, इसके अंदर अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 4GB 64GB है, एंड्रॉयड वन के एंड्रॉयड वन है, और नोकिया प्रॉमिस करता है कि अगले नेक्स्ट 2 अपडेट से साथ में देगा। स्नैपड्रैगन 660 का इसमें प्रोसेसर है, और अगर इसको हम कंपेयर करें ओप्पो F7 से तो ओप्पो F7 26,000 समथिंग में आ रहा है, और उसके अंदर जो है हीलियो का P60 है जो कि आपका 660 से बराबर तो नहीं, थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ये भी 26,000 का, वो भी 26,000 का, साथ में आपको नोकिया का आपको जो है इसमें प्रॉमिस मिलता है। और एक चीज़ है कि वीवो में आपको 6GB रैम मिलता है, 128 आपको GB स्टोरेज मिलता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास 464 कम्बिनेशन का। तो ये है आपका, पीछे आप देख रहे हैं ये डबल कैमरा दिया हुआ है जिसमें बहुत खूबसूरत क्रोम फिनिश है। ये जाइस ऑप्टिक का कैमरा है, सामने में जो है 16MP का एक और कैमरा है, यहाँ पर डुअल LED फ्लैश दिया हुआ है, ठीक है, फिंगरप्रिंट सेंसर ठीक कैमरा के नीचे है जो कि विद इन रीच आपका दिया हुआ है। तो ये है फ़ोन, कंप्लीट फ़ोन है, ये है मेरा रिव्यू। खैर ये फुल रिव्यू तो नहीं है, मैं फुल रिव्यू के साथ प्रोज एंड कॉन्स के साथ मैं बहुत जल्दी आपके सामने आऊँगा। देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑन है। तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑफ कोर्स लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।